हेलो एवरीवन, दिस साइड में हीर फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम आरवीएच मेडिकल कॉलेज। यार ये जो आज सीरीज हम लेके आए हैं स्टडी माउंट यूट्यूब की तरफ से हैंड रिटन नोट्स सीरीज, इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी। ध्यान से सुने आप, हैंड रिटन नोट्स के लिए इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि कहीं ना कहीं हम आपको टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे जो साइट से वहाँ पे अवेलेबल करा रहे थे, पर एक जो सिक्वेंशियल मैनर में एक पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक आपके पास में नोट्स होने चाहिए, वो हम अभी तक यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाए थे। तो उसी तरह से हम अपलोड करने के लिए आज आपके लिए ये सीरीज लेके आए हैं, और इसी सीरीज में हम फर्स्ट इनिशियल आपके लिए लेके आए हैं प्लांट किंगडम नोट्स के हैंड रिटन फॉर्मेट में पीडीएफ। ध्यान से सुनेंगे आप, प्लांट किंगडम में देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर हो जाता है। एनसीईआरटी की तरफ से हम देखते हैं या फिर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, एम्स में बात करते हैं, तो कुछ अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके पास में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शॉर्ट नोट्स भी हो और आपके पास में डिटेल नोट्स भी हो। और ये जो नोट्स होंगे आपके लिए दोनों ही तरह से वर्क करेंगे, शॉर्ट नोट्स प्लस आपके लिए डिटेल नोट्स। ध्यान से देखिए आप, जैसे कि एल्गी हो गया, यहाँ पे इनकी प्लॉइडीज बताई गई है, यहाँ पे इनके कैरेक्टर्स बताए गए हैं, फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है सिर्फ एल्गी के लिए, ठीक है। एल्गी के बाद में जिस तरह से यहाँ पे ये हाइलाइट्स दे रखे हैं 2020 नीट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट में जो दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए, ठीक है। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ एक्सेप्शन जो हो गए वो हाईलाइट कर रखे हैं, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट्स जहाँ जहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं वहाँ रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स है, जैसे कि स्पेस ट्रैवलर हो गया तो वहाँ पे प्रोटीन रिच कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जैसे कि ये टेबल आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे हाईलाइट है, जो आपको याद रखने वाली बात है वो वहाँ पे हाईलाइट कर रखी है, ठीक है। तो इससे आप ध्यान से करेंगे, क्लोरोफाइसी हो जाता है, इसके क्लासेस बताए गए हैं, ये देखिए आप, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। देखिए एम्स और नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद में नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करता हूँ मैं कि फियोफाइसी हमारे पास में ब्राउन एल्गी हो जाता है, तो उनके जो ट्रिक्स है सेल्फ डिफेंस यहाँ पे ट्रिक बताई गई है, जैसे सैरगेसम हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोडा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एनसीईआरटी डायग्राम इंपॉर्टेंट है वहाँ पे डिनोट किया गया है कि पर्टिकुलर यहाँ पे इस पेज नंबर पे ये वाला डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए आप, सारे इफेक्ट्स बताए गए हैं यहाँ पे, इनका एक ओवरव्यू में बता दूं आपको, रेड एल्गी, पी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इस तरह से याद रखेंगे, ब्रायोफाइटा उसके बाद में, ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, इसी तरह से ये कंप्लीट आपके लिए हैंड रिटन नोट्स का जो पीडीएफ है ये हम आपके साथ में आज लेके आए हैं। ये देख सकते हैं आप, प्लांट बॉडी कौन सी होगी, एग्जांपल्स बताए गए हैं, नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ जहाँ हाईलाइट किया गया है वो तो आपको याद ही रखना है, मीन्स जब आप बुकमार्क्स का यूज़ करेंगे तो वही आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कि नोट वाले पॉइंट्स कौन से हैं। ये पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पे बताई गई है, नोट वाला फिर से पॉइंट आ जाता है, स्पोर फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, सीड हैबिट्स, ये सारे पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स जो एम्स और नीट में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस, जो हेट्रोस्पोरी था, जिम्नोस्पर्म आ जाता है, इसी तरह से हमारे पास में देखिए आप, जब स्क्रॉल डाउन करके इन पूरे नोट्स का हम ओवरव्यू लेते हैं तो इस तरह से ये नोट्स हमको मिलते हैं, सारा कुछ आपके हैंड रिटन नोट्स फॉर्मेट में, एनसीईआरटी पे 100% ये आपके बेस्ड है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड है। एंजियोस्पर्म की बात करता हूँ तो नेक्स्ट हमको डिटेल में आगे जब देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, जो वाला चैप्टर आपके क्लास 12th का, उसमें एंजियोस्पर्म्स का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, पर यहाँ पे जो आपके क्लास 11th एनसीईआरटी प्लांट किंगडम में जितना एंजियोस्पर्म के बारे में दे रखा है, उनकी लाइफ साइकिल्स के बारे में आपको कौन से पॉइंट याद रखने हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, डेवलपमेंट दे रखा है, और यहाँ पे आपको लास्ट में जब जाते हैं तो इन नोट्स के अंदर कुछ मिलेगा आपको, जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ बीच में नोट्स में आपको कुछ देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉइंट, पीवाईक्यू पॉइंट्स नाम से एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे नोट्स के अलावा डायरेक्ट वो पॉइंट्स लिखे गए हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मीन्स एम्स या फिर नीट के अंदर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो डायरेक्ट आपके पॉइंट वहाँ पे इंक्लूड है। तो इन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ आप फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।